हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मेरा केले के खेत में खाद पड़ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दिया जाए कि कौन सी खाद आज खेत में पड़ रही थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिन लोगों के खेत में पत्ते छूट रहे हैं उनके लिए मैं फर्टिलाइजर सिस्टम बताऊँगा, तो दोस्तों आज का फर्टिलाइजर सिस्टम हमारा उन लोगों के लिए है जिन लोगों के खेत में अभी केला के पौधे पतले हैं, उनमें साइज मोटा नहीं हुआ है और जिनके खेत में पत्ते छूट रहे हैं और जिनका प्लांट अभी छोटा है, सबके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, दो दिन पहले मैंने अपने खेत की सिंचाई करी थी, तो सिंचाई करने से पहले मैंने उसमें डाली थी सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास, दो चीज़ें डाली थी सिंचाई के पहले। और अब मैंने सिंचाई के बाद में अपने खेत में डाला है यूरिया प्लस साथ में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान। तो दोस्तों, इन चीज़ों का काम क्या है सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं और किस मात्रा में डाला है हमने। जो हमारा हमने सिंचाई के पहले सुपर और पोटाश डाला है, इसका मेनली काम बहुत से लोग जानते हैं, पोटाश के बारे में भी और जो फास्फोरस होती है उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है पहले से ही कि उनके क्या क्या प्लांट में काम है। तो एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि फास्फोरस का काम होता है पौधे को और तने को बहुत मजबूत बनाना और तने में मोटाई प्रदान करना। तो इसके लिए सारा कुछ साथ में ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी खाद सिंचाई से पहले डाल दी और थोड़ी खाद सिंचाई के बाद। तो सिंचाई करने से पहले मैंने सिंगल सुपर फास्फेट ली थी एकड़ में 4 कट्टे, यानी कि 4 बोरी 2 क्विंटल ली थी, और साथ में आर्गेनिक पोटास जो आती है वो, क्योंकि जो वो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है लाल वाली, वो बहुत महंगी है, इसलिए मैंने आर्गेनिक पोटास ही अपने खेत में डाली है। अब उसका रिजल्ट कहता रहता है वो तो बाद में पता चलेगा। तो पोटास भी मैंने ली है 4 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2 क्विंटल वो भी ली है। तो दोनों चीज़ें मैंने सिंचाई से पहले अपने खेत में बुआई कर दी थी, और उसको बुआई करने के बाद 2 दिन बाद जब हल्का खेत में पानी कम हुआ यानी कि ख़त्म हो गया कीचड़ में, मैंने यूरिया प्लस साथ में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान, तीन चीज़ों का मिक्सचर खेत में डलवा दिया है आज। इसका काम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम का काम भी होता है तने को मजबूत करना और कई सारे काम होते हैं कैल्शियम के, जैसे ऊपर पौधे में जो आखिरी वाला पत्ता निकलता है वो फटाफटा निकलता है, तो वो कैल्शियम की कमी से ही निकलता है। कई लोगों के खेत में कटा कटा पत्ता निकलता होगा तो लोग सोचते होंगे ये क्या है, तो उसके लिए वो भी, क्योंकि तने की मजबूती में काम करता है कैल्शियम भी, तो कैल्शियम भी हमने डाल दिया है साथ में। कैल्शियम हमने दोस्तों लिया है 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 20 से 25 किलो आप लोग भी ले सकते हैं। साथ में यूरिया हमने ले ली है, तो यूरिया ली है, ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं ली क्योंकि अब कई बार कई चीज़ों को मिक्स करके डालना रहेगा, तो साथ में जो सहायक खाद है उसके रूप में हमें यूरिया लेना पड़ता है, क्योंकि जो अन्य तत्व होते हैं वो कम मात्रा में पड़ते हैं, तो उसकी बुआई के लिए हमें किसी न किसी चीज़ में उसको मिक्स करना पड़ता है, तो यूरिया में मिक्स करके बुआई करने में आसान रहता है, इसलिए यूरिया की मात्रा हमने कम ली है और इसकी बुआई कई बार करेंगे तो इसकी पूर्ति होती रहेगी। तो यूरिया हमने केवल एकड़ में 1 कट्टा ली है, बस 1 कट्टा यूरिया हो गई, साथ में कैल्शियम 20 से 25 किलो हो गया और बोरान ज़्यादा नहीं पड़ता है खेत में, बस एकड़ में 6 से 8 किलो पर्याप्त है, इतना बोरान ले लीजिए। बोरान का काम भी होता है जब पौधा में मजबूती प्रदान करना, बोरान का भी काम होता है, और जब हमारी फली आने लगती है तो फली आप लोग देखते हैं फटी फटी निकलती है, फट जाती है जल्दी ही, तो फली फटने न पाए उसका रोकने का काम बोरान का है। कई काम बोरान के हैं, बोरान पर मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला ही हूँ, बोरान पर और कैल्शियम पर, क्योंकि इन दोनों तत्वों पर मेरा वीडियो अभी नहीं आया है। बोरान का एक और कमी खेत में दिखाई पड़ती है, जो लास्ट वाला पत्ता निकलता है वो एकदम पतला डंडा जैसा निकलता चला जाता है, वो भी बोरान की कमी से ही होता है। तो इन चीज़ों का मैंने आज अपने खेत में बुआई कर दी है, 2 दिन पहले कुछ डाला कुछ आज डाला, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। आप लोग जो लोग ये सब तत्व अपने खेत में नहीं डाले हैं इस मात्रा में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने खेत में जो कुछ भी करता हूँ आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, तो आज मैं अपने खेत में ना होने की वजह से वीडियो आज मैं वहाँ पर अपने केला के प्लांट में नहीं बना पाया, आज मैं यहाँ
अपने तरबूज के प्लांट पे हूँ, तो यहीं पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतना कुछ आप लोग अपने खेत में अगर नहीं डाला तो डाल लीजिए, बाकी आगे क्या करना है मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।